ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने रविवार को रादौर सहित हलके के कई गांव में आयोजित गुरु रविदास जयंती कार्यक्रमों में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने गुरु रविदास मंदिर में नमन किया और सभी को गुरु रविदास के दिखाए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव विशाल सैनी ने रविवार को गुरु रविदास जयंती को लेकर क्षेत्र के गांव घिल्लोर, अंटावा, हड़तान व कांजनू गांव में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस मौके पर उनका कार्यक्रम आयोजकों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर विशाल सैनी ने कहा कि संतों का जीवन हमेशा अनुकरणीय रहा है। पंचकुला में 19 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय जाट अधिवेशन कार्यक्रम को लेकर रविवार को अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के संयोजक राम अवतार पलसानिया व पीएस कलवानिया रादौर में जाट महासभा जिला यमुनानगर के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश पाल बंचल के निवास पर पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में सामाजिक एकता, रोजगार सृजन, कला, शिक्षा व साहित्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। बिरादरी की ज्यादा से ज्यादा संख्या किस रूप में शामिल किया जाए, और वो इसलिए किया जा रहा है कि आपने पिछले काफी लंबे समय से देखा कि जो हमारी बिरादरी का मान और सम्मान, स्वाभिमान को किस तरीके से, चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार, उसने किस तरीके से चोट पहुंचाई, हमारे कौम के गौरवशाली अतीत को वर्तमान में जो जगह नहीं मिल पा रही, उन सारे इशूज को लेकर के कला, शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति और रोजगार सृजन के उद्देश्यों को लेकर के हमने एक प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक यूथ का सवाल है, यूथ और महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ कर रहती है हर कार्यक्रम और हर अधिवेशन में। हमारे हर सेमिनार के अंदर हमेशा यूथ हो, चाहे जवान हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर हो, हर एक फील्ड के लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और यूथ के अंदर तो बहुत भारी क्रेज है इस समय, और हर व्यक्ति समाज की मुख्य विचारधारा से जुड़ना चाहता है। और इसी उद्देश्य को लेकर जो हमारे समाज के अंदर जो सामाजिक कुरीतियाँ उनके खात्मे के लिए और हमारा जो गौरवशाली जाट इतिहास है उसको जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर हमने ये राष्ट्रीय अधिवेशन रखा है। रादौर निवासी एडवोकेट पंकज गुप्ता को अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रविवार को शहर में अग्रवाल समाज द्वारा एडवोकेट पंकज गुप्ता का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। JMIT कॉलेज के MBA विभाग के छात्रों ने हाल ही में घोषित परीक्षा परिणामों में उच्च स्तरीय प्रदर्शन किया है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर SK गर्ग ने बताया कि संस्थान का MBA विभाग छात्रों के सर्वांगीण विकास पर हमेशा कार्यरत रहा है। हरियाणा पेंशनर वेलफेयर सोसाइटी की एक विशेष बैठक शहीद उधम सिंह कांबोज धर्मशाला रादौर में आयोजित की गई। बैठक में सरकार द्वारा पेंशनर्स की मांगों पर कोई ध्यान न दिए जाने के कारण 24 फरवरी को एक बैठक आगामी रणनीति तय की जाएगी।